हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपने नेचुरल नंबर की सीरीज और होल नंबर की सीरीज देखी है। नेचुरल नंबर के सीरीज को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो नंबर्स हम लोग डेली यूज करते हैं वो हो जाएंगे काउंटिंग नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3 इस टाइप से। मतलब आपने अगर सोचा कि वन पैकेट आपने चीटोस लिए, वन पैकेट आपने कोई बिस्किट लिया, 1 केजी आपने आलू खरीदा, तो ये सारा नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा। अगर होल नंबर्स की सीरीज देखना चाहे तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 1, 2, 3 करके ऐसी ये सीरीज है होल नंबर्स की। तो होल नंबर की सीरीज में 0 आता है प्लस नेचुरल नंबर की सीरीज आती है। लेकिन लेट्स से अगर आपको टेम्परेचर गिनने का है, अब टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं कि हमारा वेदर टेम्परेचर आज कितना है, तो आज है हमारे इधर 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, कहीं का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ 0 भी देखा है और 28 भी नंबर आ रहा है। लेकिन सपोज अगर हमने ऐसे सोचा, आज का कश्मीर का टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। अब ये -3 यहां पर कहीं आया है क्या? यहां तो सारे ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये जितने में कुछ साइन नहीं है। जो नंबर्स में कोई साइन नहीं होती है 1, 2, 3 तो ऑप्शनल होता है, उसके आगे प्लस साइन है करके। मैंने अगर बोल दिया 36, ये पॉजिटिव नंबर होगा कभी भी, भले ही मैं उसके आगे प्लस की साइन ना दू। तो अभी अपने को तो यहाँ पर निगेटिव साइन वाला चाहिए है। तो ये कौन सी नंबर सीरीज है जिसमें पॉजिटिव आएगा, 0 भी आएगा और निगेटिव भी नंबर्स आएंगे? सो आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स कौन से सीरीज में आते हैं, उसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सीरीज को बोला जाता है इंटीजर्स, ये सीरीज को बोला जाता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन रहेगा? होल नंबर की पूरी सीरीज आएगी, सो आएगा 0, 1, 2, 3 इस टाइप से, ये सारे नंबर्स आएंगे और साथ में ये निगेटिव नंबर्स भी आएंगे। सो यहां पर हो जाएगा ये माइनस, ये 1 था तो ये 1 का -1 आएगा इस साइड, उसके बाद आएगा -2, देन -3 इस टाइप से आएगी। सो ये सीरीज को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स की सीरीज। सो इंटीजर्स के सीरीज में काउंटिंग नंबर्स वाली सीरीज आ जाती है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, 0 भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब होल नंबर की सीरीज भी है और साथ में उसके निगेटिव नंबर्स भी है। सो इंटीजर्स के सीरीज में पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव सारे नंबर्स और इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर्स उसमें होते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 4 के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब भी हमने जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स देखे, मतलब इंटीजर्स की सीरीज देखी, उसका यूज करेंगे कि वो जो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई एज पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव में आएगा, कैटेगरी में आएगा और कौन सा निगेटिव वाले में आएगा। अब यहाँ बोला है 7 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब ये होल नंबर के सीरीज में आता है, और 7 डिग्री बिलो मतलब 0 के भी आपको नीचे जाना है। सपोज हम लोग यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, ये है हमारा 0, अब नीचे जाना है तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 इस टाइप के नंबर्स यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 1, 2, 3। आपने प्लस साइन दी तो भी ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है, ये ऑप्शनल होती है प्लस साइन। ओके, अभी 7 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 के बिलो मतलब नीचे जाना है आपको। सो नीचे जाएंगे तो यहाँ निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, सो इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, बिलो में है मतलब ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, बिलो मतलब ये निगेटिव में आने वाला है नंबर। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 को हमने बीच में रखा है, ऊपर पॉजिटिव आते हैं और नीचे निगेटिव आते हैं। सेकंड है सबमरीन बिलो सी लेवल। सी लेवल हम लोग अगर 0 मीटर पर मानेंगे तो हमारा जो एरिया है
वो ग्राउंड लेवल 1, 2, 3 मीटर्स पर आता है। कुछ माउंटेन्स होंगे तो थोड़े ऊपर आएंगे हाइट पर, और अगर हम लोग सी लेवल के नीचे नीचे जाते हैं तो वो निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो सबमरीन कहाँ पर है? बिलो है सी लेवल के। तो ये कौन से इसमें आएगा, कैटेगरी में आएगा? अगर इन्होंने बोल दिया है कि 4 मीटर्स बिलो सी लेवल, सपोज सबमरीन 4 मीटर्स बिलो सी लेवल होगा, तो ये आ जाएगा -4 मीटर्स। ओके, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है, सबमरीन बिलो सी लेवल बोला होगा, तो निगेटिव ओनली आपको लिखना है कि निगेटिव में आने वाला है वो आंसर। उसके बाद है टनल डेप्थ 2 मीटर अंडरग्राउंड। अभी ग्राउंड पर हम लोग कितना लेंगे, हमारा ग्राउंड कहां पर आएगा? 0 पर आएगा, 0 मीटर्स पर हमारा ग्राउंड है। सो टनल क्या कर रहे हैं, हम लोग नीचे खोद रहे हैं, मतलब जमीन के नीचे हम लोग गड्ढा कर रहे हैं ऐसे सोचेंगे तो वो टनल हो जाएगी। तो टनल डेप्थ 2 मीटर अंडरग्राउंड, नीचे जाने का है आपको, इसका मतलब ये भी नेगेटिव में आएगा। तो टनल डेप्थ 2 मीटर अंडरग्राउंड मीन्स 2 - 2 मीटर्स हो जाएगा। उसके बाद काइट, अभी काइट कहाँ उड़ती है, पतंग कहाँ उड़ती है, जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर? ऊपर ही उड़ेगी ना काइट। सो ये हमेशा किस में आएगा आंसर, इसका पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर उन्होंने दे दिया काइट 2 मीटर्स हाई, तो आपका आंसर आ जाएगा +2 मीटर। काइट अगर 4 मीटर्स हाई बोलेंगे तो +4 मीटर्स लिखना है। वेल डग 30 मीटर्स बिलो ग्राउंड, एक कुआं खोदा है, कितना नीचे है वो? 30 मीटर्स नीचे। कुआं हमेशा हम लोग नीचे ही खोदेंगे, तो कितना नीचे खोदा है? 30 मीटर्स। तो ये 30 मीटर्स वाला नंबर हमारा नीचे रहेगा, मतलब ये आएगा आपका -30 मीटर्स आंसर इसका। सो हमने देखा कि जो इंटीजर की सीरीज है उसका यूज कैसे करते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, और जीरो वाले भी आ रहे हैं। तो जीरो की कहाँ कहाँ हमने पढ़ा है, 0 डिग्री का यूज टेम्परेचर में पढ़ा है, 0 डिग्री का यूज ग्राउंड पर मीटर के लिए पढ़ा है, 0 मीटर का यूज हमने सी लेवल के लिए पढ़ा हुआ है। अब ये ग्राउंड, टेम्परेचर और सी लेवल, जितना ऊपर ऊपर होगा तो उन सबको आपको पॉजिटिव देने हैं, और जीरो के नीचे वाले जितने नंबर्स होंगे वो सारे निगेटिव में आएंगे। अभी हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये इंटीजर्स का जो नंबर लाइन है उसके ऊपर कैसे करेंगे। इंटीजर्स का नंबर लाइन है इसलिए यहाँ पर क्या क्या आएंगे, 0 आएगा, राइट साइड में सारे पॉजिटिव आएंगे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। जब जब हम लोग ऐड करते हैं कोई दो नंबर्स को, सो उस वक्त हम लोग राइट साइड में मूव होते हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं तो आपको कहाँ मूव होना है, राइट साइड में मूव होना है ऐड करते वक्त। अभी आपका पहला प्रॉब्लम क्या है, 1 + 2। सो 1 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर 1 है, पर आपको +2 करना है। और हमने अभी क्या बोला है कि जब एडिशन करेंगे आपको 0 के राइट साइड में मूव करने का है। सो +2 है यहाँ पर, 1 + 2 है, सो हम लोग +2 मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो ये हो गया आपकी पहली स्टेप 1 से लेकर 2 तक, और ये हो गई आपकी दूसरी स्टेप। तो आपका नंबर आंसर क्या आ गया है, 3। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। वैसे भी हमको मालूम है 1 + 2 जब हम लोग करते हैं तो 3 ही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 + 3। अभी 4 + 3 मतलब आपको स्टार्ट कहां से करने का है, 4 से स्टार्ट करने का है और 3 स्टेप्स और आगे जाने के हैं। सो हम लोग यहां बना लेते हैं और 3 स्टेप्स आगे 4। सो मैं इसको 4 लूंगी, यहां से मैं स्टार्ट करूंगी 3 स्टेप्स आगे। तो ये हो गई 1 स्टेप, ये हो गई 2nd स्टेप और ये हो गई मेरी 3rd स्टेप। सो आंसर कितना आ रहा है आपका, 7। 4 + 3 7 होता है। ओके, अब 3rd प्रॉब्लम करते हैं, 2 + 3। 2 कहां पर है, यहां पर है 2। ओके, अभी उसमें कितना स्टेप करने का है, 3, और ये प्लस है मतलब आपको राइट साइड 3 स्टेप मूव करने का है। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, तो आपका नंबर कितना आ गया, 5। सो 2 + 3 कितना हो जाता है, 5। अब है -2 + 1, मतलब -2 से आपको +1 करने का है -2 में। तो ये मेरा नंबर है -2 और यहां से कहां जाने का है, प्लस करने का है मतलब आपको राइट साइड मूव करने का। तो राइट साइड हम लोग कितने स्टेप यहाँ पर मूव करेंगे, 1 स्टेप। सो मैं यहाँ से 1 स्टेप अगर मूव करती हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलता है,
-1। अब देखते हैं सब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे एडिशन में हम लोग राइट साइड मूव करते हैं, वैसे सब्स्ट्रैक्ट करते वक्त हम लोगों को लेफ्ट साइड मूव होने का है। सब्स्ट्रैक्शन के वक्त हम लोगों को लेफ्ट साइड मूव होना है। लेफ्ट साइड किसके? जीरो के। जो भी नंबर होगा उससे लेफ्ट में हम लोग जाएंगे। सो 2 - 1, अभी मेरा 2 नंबर कहां पर है? ये हो गया मेरा 2। और आपको कितना मूव करने का है? पीछे -1। तो पीछे आएंगे हम लोग -1, ये 2 से एक स्टेप पीछे, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। सो 1 स्टेप हम लोग बैक आएंगे। सो 2 - 1, तो ये कितना आंसर आ रहा है मेरा? 1। बराबर है, 2 - 1 जब करते हैं तो 1 ही आता है। अब हमको देखना है 4 - 1 कितना होता है। नंबर कहाँ है हमारा? यहाँ पर है 4 मेरा नंबर। ओके, अभी स्टेप बैक कितनी आनी है? 1 स्टेप बैक आने का है। सो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। सो आंसर कितना आ गया हमारा? 3। सो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखते हैं -3 - 2, मतलब स्टार्ट कहाँ से करने का है आपको? -3 से। तो -3 की पोजीशन ये है, और क्या करना है? -2 करना है। माइनस करना है मतलब आपको बैक आने का है। तो कितना बैक आने का है? 2 स्टेप्स बैक आने का है। तो यहाँ से 1 स्टेप बैक और यहाँ से 2nd स्टेप बैक। सो ये आंसर आ जाएगा -5। सो हमने क्या देखा? जब जब हम लोग को एडिशन करना है, हम लोग जो फर्स्ट नंबर दिया होता है वो हम लोग पॉइंट करते हैं और फिर राइट साइड जाते हैं, और अगर हम लोग को सब्स्ट्रैक्ट करना हो तो जो फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और जितने स्टेप उन्होंने बोले हैं उतना हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं। अब देखते हैं हम लोग विदाउट नंबर लाइन एड कैसे करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है 5 + 6। तो 5 + 6, अभी तक आपने 11, 5 में 6 ऐड करेंगे तो आपका 11 आंसर आता है। लेकिन ये क्यों आता है वो अभी देखते हैं हम लोग। जब नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस बोला जाता है। तो 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा +5। ये नंबर के आगे जो साइन है ये है प्लस, तो 6 की साइन क्या हो गई है? प्लस। नंबर के आगे जो साइन होगी, आगे मतलब उसके लेफ्ट साइड में जो साइन होगी वो नंबर के साइन है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज अगर मैंने ले लिया -3, तो मैं पूछूंगी 3 की साइन क्या है? तो -3 - है उसकी साइन। सपोज मैंने अगर 4 लिखा तो पूछूंगी 4 की साइन क्या है? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब उसकी साइन प्लस है। अगर मैंने +5 दे दिया तो 5 की साइन क्या है? सो 5 की साइन प्लस है। तो प्लस आप लिखिए तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, वो ऑप्शनल होती है। सो अभी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस ये हमेशा प्लस का ही काम करता है। जब दो नंबर्स की साइन अगर प्लस हो तो हम लोग बोलेंगे प्लस प्लस प्लस। तो हाँ, इसीलिए हमने ये दोनों नंबर्स का प्लस किया और 11 लिखा है। सो प्लस 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 होता है तो ये 11 आ गया। बाद में आपको बोलने का है साइन बड़े की। अब जब आप बोलेंगे साइन बड़े की तो उस जो बड़ा नंबर है इन दोनों में, तो यहाँ पर बड़ा है 6, तो उसकी जो साइन है, उसकी साइन मतलब उसको जो साइन दी हुई है, 6 की साइन प्लस है, तो वो साइन आपको लगानी होती है। सो ऐसा बोला जाता है प्लस प्लस प्लस, ये आपका फार्मूला है प्लस प्लस प्लस। तो प्लस 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 कर रहे हैं हम लोग, तो 5 + 6 हो गया 11। और फिर बोलेंगे हम लोग साइन बड़े की। अब बड़ा नंबर कौन है? 6, तो 6 की साइन कौन सी है? प्लस। इसलिए ये 11 की साइन प्लस हो जाती है और हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लस साइन ऑप्शनल है। ओके, अगर ये वाला प्रॉब्लम हमने देखा, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अभी ये प्लस प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। अब क्या आएगा? ये माइनस प्लस। सो माइनस और ये है प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस साइन अगर जब भी होगी तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। सो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो दो नंबर्स की ये जो साइन है, अगर एक माइनस वाली साइन हो और एक नंबर की प्लस साइन हो तो आपको वो दो नंबर का माइनस करना है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 2। 7 - 2 कितना होता है? 5। अभी मैं जब 5 बोल रही हूँ 7 - 2, तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ कि 7 - 2 5 हो रहा है करके, ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोलना है। कैसे बोलेंगे? माइनस प्लस माइनस।
माइनस प्लस माइनस, बस इतना सोच लेना कि क्या हो रही है साइन, माइनस हो रही है। ओके, फिर ये दो नंबर्स जो भी होंगे वो देखने हैं, तो सेवन है और टू है। अभी हमने क्या बोला था, माइनस प्लस माइनस, तो सेवन और टू को माइनस कर दो, कितना आ गया आंसर, फाइव। ये आपको लिखना नहीं है, सेवन माइनस टू फाइव आ गया। सो यहां पर हम डायरेक्टली फाइव लिखेंगे और फिर बोलेंगे साइन बड़े की, फिर बोलना है बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है यहाँ पर सेवन है, सेवन की साइन कौन सी है, माइनस है, क्योंकि सेवन के आगे ये माइनस साइन दी हुई है, इसलिए ये बड़े की साइन आंसर को लगेगी। सपोज और एक प्रॉब्लम लेते हैं, सब मैंने ले लिया माइनस फोर और एक लिया प्लस थ्री, सेम यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, सो माइनस करेंगे हम लोग, फोर माइनस थ्री, लिख रही हूं क्या मैं, नहीं आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है, माइनस प्लस माइनस, फोर माइनस थ्री वन, और आंसर यहाँ डायरेक्टली वन लिख देना है। अब वन आने के बाद अभी क्या बोलना है, साइन बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर कौन है, फोर, तो फोर की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इनकेस अगर फोर माइनस थ्री होता था तो इसकी साइन क्या थी, यहाँ पर अभी प्लस थी, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, सो प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस थ्री वन, सो आंसर आएगा वन। लेकिन अभी हो गया क्या आंसर, नहीं, उसके आगे क्या बोलना है आपको, साइन बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर कौन है, फोर, और फोर की साइन कौन सी है, प्लस, सो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। लेकिन हम लोग बचपन से फोर माइनस थ्री जब भी बोला जाता है हम वन लिखते हैं, प्लस की साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद और एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज अगर आपको ये नंबर दिया है माइनस थ्री माइनस फोर, अब यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर्स की साइन माइनस है, सो दोनों नंबर्स की साइन जब माइनस माइनस होती है, सॉरी, दोनों नंबर्स की साइन जब माइनस माइनस होती है तो आपको प्लस करना होता है। जब दोनों नंबर्स की साइन माइनस होती है तो आपको क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। सो अभी थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा, सेवन। अब हम यहां लिख रहे हैं क्या थ्री प्लस फोर सेवन हो रहा है करके, ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोलना है माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस थ्री सेवन, फिर बोलना है साइन बड़े की, बड़ा कौन है, फोर, उसकी साइन कौन सी है, माइनस, सो यहां पर लगेगी माइनस साइन। इसका मतलब प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस, दोनों साइन अगर सेम आएगी तो आप प्लस करते हो, और एक माइनस एक प्लस अगर होगा तो आप माइनस करोगे। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, सब माइनस टू लिखा है, माइनस थ्री लिखा है, अब यहां माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस टू फाइव, साइन बड़े की, बड़ा कौन है, थ्री, थ्री की साइन क्या है, माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस। अब इस टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर क्या आ गया है, ब्रैकेट आ गया है, सो जब भी ऐसे ब्रैकेट आएंगे तो आपका पहला काम रहता है कि ब्रैकेट को ओपन करना है। अब ब्रैकेट को ओपन कैसे किया जाता है, ये जो साइन हमने सीखे है उसी का हम लोग वहां पर यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के लिए। सो ब्रैकेट यहां पर है तो पहले जो कुछ आएगा ब्रैकेट के वो पहले पूरा उतार लेंगे, तो ये पहले मैंने उतार लिया। अब दो साइन एक साथ आई है, जब जब दो साइन एक साथ आती है तब ब्रैकेट लगता है, तो यही ब्रैकेट हमको ओपन करना है, तो दो साइन को एक साथ, दो साइन है उसका हम लोग को एक साइन बनाने का है। सो यहां है प्लस, यहां है माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस, सो यहां पर आ जाएगा माइनस थ्री। अब यहां तक आने के बाद ये जो हमने सीखा है वही यहां पर लगाने का है। अब देखेंगे ये नाइन की साइन कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो नाइन माइनस थ्री सिक्स, और साइन बड़े की, बड़ा कौन है, नाइन, तो उसकी साइन आ जाएगी प्लस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट वन ऑफ चैप्टर थ्री इंटीजर्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशंस। थैंक यू।